अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशनल चैनल। तो अब ये मिस्टर चिप्स के क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, फजूल में बनाई हुई है जिसका कोई मकसद नहीं है और ये दरअसल बच्चों को परेशान करने वाला नोवेल है। असल में इसकी जगह अगर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखते तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होती है क्योंकि बच्चे इसके बारे में जानकारी रखते हैं। फिलहाल इम्तिहान में आप लोगों ने इसको पास करना है और ज़्यादा जो है इसके नंबर भी हैं, उसमें से आपने 800 अटैम्प्ट करने हैं। तो अब ये वीडियो किसके लिए है? ये लाहौर बोर्ड वाले के लिए है। अब ये अच्छी तरह से देख ले। अब देखिए, अब मैं आपको वो क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप सिर्फ वही याद करने हैं और वही एग्जाम में इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन मैंने हाईलाइट किया कुछ वो लाहौर बोर्ड के लिए। पहला सवाल है, हाउ डिड चिप्स जो है मैयर इस टाइम, ठीक है, उसके बाद है ये देखिए, अब आंसर भी साथ, व्हाट वाज द नेम ऑफ चिप्स डॉक्टर, हाउ ऑफन डेट ही विजिट चिप्स, ठीक है, ये सवाल करना है इसमें से। अगर इसमें से ये करना है, हाउ डिड मिस्टर वेदरबाई एडवाइस मिस्टर चिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बस इधर आ जाए, हु वाज स्कूली एंड वाई एंड हाउ डिड चिप्स पनिश हिम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाए, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद मिस्टर वेदरबाई, बस उसके बाद आ जाए दूसरे चैप्टर पे। यहाँ पर पास है, व्हाट वाज प्रॉफिट सिचुएटेड, कि कहाँ पर वाकया था, राइट एंड नोट ऑन प्रॉफिट एज अ स्कूल, ये सवाल आपने करना है। यहाँ पास का जाता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉफिट स्कूल वाज, ठीक है, उसके बाद आ जाए अगले पे आ जाए, व्हाई डिड चिप्स ज्वाइन प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स वर जनरली अडॉप्ट बाय स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड प्रॉफिट, एंड व्हाट डिड मिस्टर चिप्स रिटायर एंड व्हाट वाज प्रेजेंटेड विद ऑन हिज रिटायरमेंट, और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी जाके आएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला था, ठीक है, ये वाला नहीं था, ये वाला था, क्लियर हो गया आपको, जो भी कन्फ्यूजन है पूछ लिया करें साथ करके। आगे आ जाए, हु वाज मिसेस विकर, ठीक है, एंड व्हाट डिड मिसेस विसेस डू, ठीक है, एट अ प्रॉफिट, उसके बाद है, व्हाट डिड चिप्स लीव आफ्टर हिज रिटायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डिड चिप्स वेलकम द न्यू कमर्स, न्यू स्टूडेंट, कैसे जो करता था वेलकम, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वाज रेड बाय मिस्टर चिप्स, ये वाला सवाल करना होते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, हु वाज स्कूली बोर्ड, ठीक है, और नरेट द एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट, ये आगे आ जाए, वाई वाज जो है स्प्रिंग ऑफ 1896 वेरी डियर टू चिप्स, ठीक है, उसके बाद है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स कम अक्रॉस कैथरीन ब्रिजेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आगे मेरे पास है, व्हाट चिप वाज चिप्स आईडी अबाउट वुमेन, व्हाट वर कैथरीन आईडीज और वेर एंड वर कैथरीन एंड चिप्स गॉट मैरिड, ठीक है, व्हाट वर द व्यूज ऑफ चिप्स एंड कैथरीन ब्रिजेस ऑन जो है पॉलिटिक्स, ठीक है, ये करना है आप लोगों ने, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। What did Catherine say to Chips on the night before their wedding? ठीक है, ये करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, How much popular was Catherine in Beaufort? और ये है, What kind of fellows was Mr. Chips before marriage? What changes did Catherine जो है bring in Chips? ठीक है, और यहाँ पर आ जाए, When and how did Chips get the love of war? ठीक है, सॉरी ये वाला सवाल नहीं करना, ये गलती से मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी, ये नहीं करना आपको करना क्योंकि ये आपको नहीं आना, ठीक है, ये वाला सवाल था नीचे वाला, व्हाट वर द अग्रीमेंट्स गिवन बाय कैथरीन ब्रिजेस टू कन्वे चिप्स रिगार्डिंग द मैच, ये वाला सवाल आप लोगों ने करना है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, आगे आ जाए, हाँ जी ये देखिए, हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन, कैसे मदद की, और हाउ डिड कैथरीन अर्ज चिप्स टू फॉरगिव द स्टूडेंट फॉर देयर मिस्टेक, कैसे जोर दिया कि स्टूडेंट्स की गलती को माफ़ कर दिया जाए, व्हाट वर द डिफिकल्टीज चिप्स फेस व्हेन ही ट्राइड टू राइट डाउन अ बुक ऑन प्रॉफिट, की जब लिखने की कोशिश की क्या मुश्किलें हुई, हाउ डिड कैथरीन जो हेल्प चिप्स इन हिज जॉब, और व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन जो है हॉन्टेड चिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद मेरे पास आता है, वन डिड चिप्स रिकॉल हिज मेमरीज, ये जी अगला चैप्टर, व्हाट वर चिप्स है फीलिंग्स ऑन डेट ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, व्हाट इज चिप्स रिसीव ऑन फर्स्ट अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है डिस्क्राइब कैथरीन ट्रेजिक डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद मेरे पास देखें, हाउ डिड कैथरीन डेट इफेक्ट द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स है, व्हाट वर द चिप्स शिफ्ट टू आफ्टर हिज वाइफ डेथ, व्हाट डिड चिप्स से टू मिस्टर जो है लियो चार्ज, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ मिस्टर चिप्स फॉर द बोरिस, और ये नहीं करना आपने सिर्फ आईलैंड वाला, बस उस जी में ना पता नहीं चलता अभी, हाँ जी यहाँ से एक सवाल आपके पास है,
हु वाज जो है गैरिसन्स एंड वाई वाज ही जो है नर्वस, होगा नर्वस क्यों हुआ, ठीक है, ये सवाल आप लोगों ने करना है क्योंकि आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है व्हाट वाज द रीज़न डैट लेड टू द क्वार बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड रेस्टोरेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है कि वाई वाज रेस्टोरेंट नॉट लाइक एट ब्रॉकफील्ड, उसके बाद क्या है व्हाट डिड रेस्टोरेंट वांट टू गेट इट ऑफ मिस्टर चिप्स से क्यों निजात पाना चाहता था, व्हाट शॉर्ट ऑफ गाउन डिड मिस्टर चिप्स वेयर, किस किस्म का गाउन पहनते थे, व्हाट डिड द जो है चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स टेल चिप्स अबाउट रिटायरमेंट, ठीक है, ये सवाल करना है। राइट एंड नोट ऑफ चिप्स एज अ स्कूल टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। When did Ruston leave Brockfield and where did he go? उसके बाद है what did Chips retire in 1930? Very very important questions है। When did Chips retire and what things were presented to him as a retirement? ये पहले भी आ गया है, ठीक है, समझाने के लिए तैयार आप। Describe the farewell speech of Mr. Chips, very very important, ठीक है। और who was जो है Mrs. जो है उसके बाद है Brawl कौन था, ये सवाल भी आप लोगों से करना है। यहाँ सिर्फ एक ही सवाल है कि व्हाट डिड चिप्स जो है ज्वाइन ब्रॉकफील्ड स्कूल अगेन, बस यहाँ से भी एक ही करना है आप लोगों ने। व्हाट डिड चिप्स रिफ्यूज टू बी पॉइंटेड द परमानेंट हेड ऑफिशियली, ठीक है, देखो सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएँ। हाउ डिड जो है चिप्स टेक हिज क्लास ड्यूरिंग एन एयर रेज, रेज में कैसे क्लास उसने ली, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये है हाउ वॉज द एंड ऑफ वार एट ब्रॉकफील्ड स्कूल, बस थोड़ा सवाल है, 50 साल से ज़्यादा नहीं होते आपके, ये देखें। राइट एंड नोट ऑफ मिस्टर चिप्स जी ह्यूमर एंड वाई वाज मिस्टर चिप्स कार्ड जेस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज मेंट बाय मिस्टर चिप्स लेटेस्ट, ये भी करना है। और वाई वाज चिप्स व्हील, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बास का एक और सवाल आपको करना है, ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि समझ आ जाए। ये राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द मिस्टर चिप्स जो है जनरेसिटी, यानी इनकी सखाफत पर नोट लिखना आपने उनके बड़े देश पर, ये जी इसमें से है कि वेयर डिड मिसिस विगर्स गो ऑन नवंबर आफ्टर, ठीक है, नोन इन 1913, हु वाज निम्फोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, हु वाज द लास्ट विजिटर ऑफ मिस्टर चिप्स एंड हाउ डिड चिप्स एंटरटेन हिम, उसके बाद हाउ डिड चिप्स एंटरटेन निम्फोर्ड, और व्हाट वाज चिप्स फीलिंग आफ्टर निम्फोर्ड डिपार्चर, जाने के बाद क्या फीलिंग्स थी, ये जी। और इसमें से दो सवाल है कि हु वाज जो है कार्टराइट कौन था, ठीक है, और नीचे आ जाएँ कि डिस्क्राइब द डेथ सीन ऑफ मिस्टर चिप्स, बस ये हो गए हैं आपके मिस्टर चिप्स से क्वेश्चन, इतने ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल हैं, तो उसकी तैयारी कीजिएगा। ये लाहौर बोर्ड के हैं, मैंने पहले ही फिर बता रहा हूँ आपको कि लाहौर बोर्ड और गुजरावाला बोर्ड में 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि सिलेबस सेम है, थोड़े क्वेश्चंस होते हैं जो लाहौर में नहीं आते गुजरा वाले में आते हैं, जो गुजरा वाले में आते हैं वो लाहौर में नहीं आते, तो आप लोग इसको इजी होकर तैयारी करें। तो वीडियो मिल रही है आपको, बस आप लोगों ने क्या करना है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को समझ नहीं आती, मुझे लगता है कि आप वीडियो देखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और पढ़ाई को जो है बड़े इजी होकर जो है तैयारी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।